हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त रेनोस टेक्निकल शशांक। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि अपने हाथ पैर, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है रीजनरेट कर सकता है। मतलब उसको डैमेज होने के बाद में वो फिर से उगा सकता है, जो कि हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सोलिटल। और एक्सोलिटल नाम के इस जीव के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या है। इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे टेक्निकल अपडेट्स आपको हमारे पास से जो भी वीडियो चलते हैं वो आपको मिल सकें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सोलिटल नाम का जो जीव है उसके बारे में अगर हम जाने कि वो क्या है, तो उसको पहले जो है मैक्सिकन सेलेमेंडर भी बोला जाता है। मतलब सेलेमेंडर मतलब वो जीव होते हैं जिनके हाथ पैर होते हैं और जो कि अपने हाथ पैर से चले जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसको जो है कई लोग ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी बुलाया जाता था। मैक्सिकन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मैक्सिको के ही तालाब में एवं समुद्र में जो है पाए गए थे, और सबसे पहले जो है ओरिजिन इनका वहीं से हुआ था। तो इन जीव के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका जो अगर हम बात करें कि कलर्स की, कौन कौन से कलर्स में ये जीव होते हैं, तो ये सारे आप देख सकते हैं। इन कलर्स में आते हैं येलो, वाइट, ब्लैक और पिंक कलर में, और डार्क ग्रे कलर में, येलोइश कलर में, इन सभी कलर में ये जीव पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें कि रीजनरेशन की, अगर आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी पार्ट अगर इनका हाथ से काट दिया जाए, हथेली काट दी जाए, तो भी वो रीजनरेट हो जाती है कुछ समय में ही। और इसके बाद में अगर वो उनका आर्म काट दिया जाए, पूरा का पूरा जो है हाथ उनका ऊपर से अगर कट जाता है, तो कंधे से भी उनका जो है पूरा कुछ दिनों में ही, कुछ हफ्ते में वो अपने इसको रीजनरेट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि ये जो है अपने सेल्स जो है इनके बॉडी के सेल्स, वो रीजनरेशन का ही एक जो है उनके अंदर में ऐसा कुछ होता है, जिसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है, और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि कैसे जो है ये जीव रीजनरेट कर लेता है अपने सारे हाथ पैर अंग को जो है कि फिर से उगा लेता है। लेकिन बात करें अगर दिमाग की, जब कोई सेल, मतलब इतना हाथ पैर तक तो चलो ठीक था, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर इसके दिमाग के कोई पार्ट को भी अगर जो है साइंटिस्ट ने काट के निकाल के देखा, उसके बाद में वो पार्ट जो है इसने फिर से रीजनरेट कर लिए कुछ ही हफ्तों के अंदर में, तो ये चौंकाने वाली बात है इस जीव के बारे में। और बात करें अगर ये जो है मैक्सिको के जो तालाब में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, और इसके बाद में जो है ये, इसके कई सर्वे हुए, सर्वे होने के बाद में ऐसा पता चला कि 2003 तक के जो सर्वे हुए हैं इसके ऊपर, इस जीव के ऊपर में, तो पहले तो जो इस जीव की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति हुआ करती थी 6000 तक के 1 किलोमीटर के दायरे में ये मिल जाया करते थे। उसके बाद में 2003 तक की इसकी जो है 2 या 4 ही इसके बचे हैं। मतलब ये जो जीव है ये अभी जो है स्पीशीज इसकी जो है ख़त्म होने के आसपास है। तो विलुप्त होती हुई इस प्रजाति को जो है कई लोगों ने अपने घर में भी पाला जाता है ये जीव। और इसके अलावा जो है इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोगों को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो यही है कि कैसे ये अपने आप को जो है रीजनरेट कर लेता है, अपने हाथ पैर को फिर से कैसे उगा लेता है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का पार्ट, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करना चाहते हैं। इसके बारे में और अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो जो है कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया में जाकर इसका रिसोर्स जान सकते हैं। और बाकी इसके बारे में भी रिसर्च चल ही रहा है, और जैसे जैसे कुछ चीज़ें इसमें अपडेट होती रहेंगी तो हम आपको बताते रहेंगे। और बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ के लिए जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले सारे टेक्निकल वीडियो आपको टेक बिला के अंदर में मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टेक बिला में। स्टे रॉक।